आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेरॉन 2 के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि भारतीय सेना ने हेरॉन टीपी ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल किए हैं। ये ड्रोन लीज पर लिए गए हैं और ये ड्रोन्स आर्म ड्रोन्स हैं, यानी कि ये हथियार लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग नंबर्स दिए गए थे। कहीं पर इनका नंबर 2 बताया गया था और कहीं पर इनका नंबर 4 बताया गया था। लेकिन आज ANI के अजीत दुबे जी नॉर्दर्न सेक्टर में एक बेस पर पहुंचे थे जहां पर इन ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा रहा था और उनके कुछ फोटोग्राफ्स में 2 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स दिखाई देते हैं। वैसे आमतौर पर जब भी ड्रोन्स की बात होती है तो इंडियन आर्म फोर्सेस अपने ड्रोन्स के नंबर को लेकर डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं डालती है, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अप्रोच भी है क्योंकि आप चाहते हैं कि एनिमी हमेशा चीजों को गेस करता रहे। देखिए, हेरॉन ड्रोन्स के बेसिकली 3 वेरिएंट्स हैं और इन तीनों वेरिएंट्स की अलग अलग एप्लीकेशन है। लेकिन किसी भी ड्रोन का जो हार्ट होता है वो उसका इंजन होता है, और अगर आप हेरॉन मार्क 1 की बात करें तो इसमें रोटैक्स 914F इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजन 115 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करने में सक्षम है, और IAI की तरफ से क्लेम किया जाता है कि हेरॉन की एंड्योरेंस 45 आवर्स की है। वहीं पर अगर मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड की बात की जाए तो वो 35,000 फीट की है। इसके अलावा ये ड्रोन्स काफी इंटरेस्टिंग पेलोड कैरी कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, TV, IR, वाइड आई स्कैन, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम्स और मैरिटाइम पेट्रोल रेडार, यानी कि सेंसर्स के मामले में ये ड्रोन काफी पैक्ड ड्रोन है। लेकिन यहाँ पर एंड्योरेंस और एल्टीट्यूड के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, जिसको हम लोग आगे चलकर वीडियो में एड्रेस करेंगे। वहीं अगर हेरॉन मार्क 2 की बात की जाए तो इसमें ज्यादा पावरफुल रोटैक्स 916 इंजन का प्रयोग किया जाता है, और ये 160 हॉर्स पावर का इंजन है। हेरॉन मार्क 2 में ज्यादा बेहतर पेलोड्स हैं और ये कोल्ड टेम्परेचर में ज्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकता है, यानी कि भारत की लद्दाख जैसी रिक्वायरमेंट के लिए हेरॉन मार्क 2 एक परफेक्ट ड्रोन है। वहीं पर अगर इसकी भी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड 35,000 फीट की बताई जाती है और एंड्योरेंस 45 आवर्स की। वहीं पर अगर तीसरे वेरिएंट की बात की जाए तो वो हेरॉन टीपी है, जहां पर टीपी का मतलब है टर्बो प्रॉप। इससे पहले हम लोगों ने जिन 2 वेरिएंट्स के बारे में बात की थी उनको पिस्टन इंजन से पावर किया जाता है, और ये ड्रोन टर्बो प्रॉप से पावर किया जा रहा है। हेरॉन टीपी को प्रैट एंड व्हिटनी PT6 से पावर किया जाता है, जो बेसिकली 1200 हॉर्स पावर का इंजन है, यानी कि ये बेसलाइन हेरॉन से 11 गुना ज्यादा पावरफुल इंजन का प्रयोग करता है। लेकिन आमतौर पर टर्बो प्रॉप इंजन काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, थियोरेटिकली इनकी कॉस्ट लगभग 10 गुना ज्यादा होती है, और इसी वजह से इनको एक स्पेसिफिक पर्पस में यूज किया जाता है। देखिए, हेरॉन टीपी या रीपर ड्रोन ज्यादा पेलोड कैरी करने में सक्षम है और ये ज्यादा ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं, लेकिन ये कैपेबिलिटी आती है लगभग 10 गुना ज्यादा कॉस्ट के साथ में, और इसी वजह से हेरॉन टीपी और रीपर जैसे ड्रोन बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं। आमतौर पर पिस्टन इंजन की रेकमेंडेड एल्टीट्यूड 20,000 से 22,000 फीट तक की ही होती है। वहीं पर टर्बो प्रॉप आसानी से 30,000 फीट से ज्यादा की एल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं, और अगर आप रोटैक्स 916 का ब्रोशर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी मैक्सिमम अलाउड एल्टीट्यूड 23,000 फीट की ही है। लेकिन somehow IAI की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उनके ड्रोन्स इन इंजन्स का ही प्रयोग करते हुए 35,000 फीट की एल्टीट्यूड तक जा सकते हैं, और इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि या तो इसराइल के पास में एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे इंजन्स अपनी अलाउड स्पेसिफिकेशन से 1.5 गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर नंबर्स में कुछ गड़बड़ी है। नॉर्मली पिस्टन इंजन्स की अगर एल्टीट्यूड बढ़ानी होती है तो आप एयरक्राफ्ट में ज्यादा इंजन्स लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हेरॉन में केवल एक ही इंजन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी ये चीज क्लियर है कि हेरॉन एक काफी केपेबल ड्रोन है, और मार्क 2 के आ जाने के बाद में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। स्पेसिफिकली ईस्टर्न लद्दाख में ये ड्रोन्स भारतीय सेनाओं को वो क्षमताएं देंगे जो इस समय भारतीय सेनाओं के पास में नहीं थी, और इसके अलावा अगर इंडियन आर्मी ने एक्चुअली हेरॉन टीपी अपने बेड़े में शामिल किए हैं तो ईस्टर्न लद्दाख में चाइना को बहुत ज्यादा दिक्कत ऑलरेडी हो रही होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।